Hey guys, आज हम बात करने वाले हैं उन पोस्ट क्रेडिट सीन्स के बारे में जो MCU को इतना स्पेशल बनाते हैं। मार्वल स्टूडियोज ने हमेशा हमें मूवीज के एंड तक बैठने का एक सॉलिड रीजन दिया है। आज हम रैंक करेंगे MCU के बेस्ट पोस्ट क्रेडिट सीन्स और देखेंगे उनका फ्यूचर मूवीज पे क्या इंपैक्ट हुआ। तो चाहिए शुरू करते हैं। नंबर 10 पे है एक ऐसा सीन जहां से सब कुछ शुरू हुआ। आयरन मैन के एंड में निक फ्यूरी आता है और टोनी स्टार्क को एवेंजर्स इनिशिएटिव के बारे में बताता है। ये मोमेंट MCU के फ्यूचर का फाउंडेशन सेट करता है। इस सीन ने हमें फर्स्ट टाइम दिखाया कि ये एक कनेक्टेड यूनिवर्स होने वाला है। नंबर 9 पे है थोर लव एंड थंडर का पोस्ट क्रेडिट सीन, जिसमें हमें हरक्यूलिस इंट्रोड्यूस किया जाता है। ज्यूस का हरक्यूलिस को थोर के अगेंस्ट भेजने का प्लान MCU में एक न्यू हीरो का एंट्री पॉइंट बन सकता है। ये सीन फैंस के लिए एक एक्साइटिंग टीज था, क्योंकि हरक्यूलिस और थोर की एक एपिक बैटल हो सकती है फ्यूचर में। नंबर 8 पे है स्पाइडरमैन होमकमिंग का फनी पोस्ट क्रेडिट सीन, जिसमें कैप्टन अमेरिका हमें स्पीच देते हुए दिखता है। ये सीन थोड़ा लाइट हार्टेड है, लेकिन फैंस के लिए एक सरप्राइज था। इसने हमें बताया कि MCU काफी सेल्फ अवेयर है और अपने फैंस के एक्सपेक्टेशंस के साथ थोड़ा खेलना जानता है। नंबर 7 पे है शंग-ची का पोस्ट क्रेडिट सीन, जिसमें वोंग, ब्रूस बैनर और कैप्टन मार्वल शंग-ची और केटी से मिलते हैं। ये सीन इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये हमें दिखाता है कि 10 रिंग्स के पावर और ऑरिजिन के बारे में और भी मिस्ट्रीज हैं जो फ्यूचर MCU मूवीज में अनफोल्ड होंगी। और हां, ये टीम अप फ्यूचर के एवेंजर्स लाइनअप के लिए काफी एक्साइटिंग लग रहा है। नंबर 6 पे है गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी का वो सीन, जिसमें बेबी ग्रूट को डांस करते देखा जा सकता है। ये सीन प्योर डिलाइट था और एक इंस्टेंट फैन फेवरेट बन गया। गार्डियंस के फन और क्वर्की टोन को परफेक्टली कैप्चर करता है ये मोमेंट, और बेबी ग्रूट का डांसिंग सीन एक पॉप कल्चर आइकॉन बन गया। नंबर 5 पे है अवेंजर्स एज ऑफ अल्ट्रॉन का वो मोमेंट, जब थानोस इंफिनिटी गॉन्टलेट को पहनता है और कहता है, फाइन आई विल डू इट मायसेल्फ। इस सीन ने थानोस को मेजर विलन के रूप में सेट किया और इन्फिनिटी वॉर के लिए हाइप बिल्ड कर दिया। फैंस ने इस सीन के बाद स्पेकुलेट करना शुरू कर दिया था कि थानोस का प्लान क्या हो सकता है। नंबर 4 पे है स्पाइडरमैन नो वे होम का पोस्ट क्रेडिट सीन, जिसमें एडी ब्रॉक और वेनम MCU में आते हैं। वेनम का ब्रीफ अपीयरेंस और फिर सडनली डिसअपीयर होने से एक बड़ा टीज दिया है कि वेनम और स्पाइडरमैन का क्रॉसओवर फ्यूचर में जरूर देखने को मिलेगा। फैंस के लिए ये सीन काफी शॉकिंग और एक्साइटिंग था। नंबर 3 पे है आयरन मैन का आइकॉनिक आई एम आयरन मैन। यहां टोनी स्टार्क अपनी सीक्रेट आइडेंटिटी को रिवील करता है, जो सुपर हीरो मूवीज में काफी अनकॉमन था। इस सीन ने टोनी स्टार्क को एज अ कैरेक्टर और भी स्ट्रॉन्ग बनाया और हमें एक बोल्ड MCU का टेस्ट दिया, जहां हीरोज अपनी इंडिविजुअलिटी को एनहांस करते हैं। नंबर 2 पे है Avengers Infinity War का वो शॉकिंग मोमेंट, जब निक फ्यूरी डिसअपीयर होने से पहले कैप्टन मार्वल को सिग्नल भेजता है। थानोस के स्नैप के बाद ये सीन ने फैंस के लिए एक रे ऑफ होप छोड़ी थी और सबको एक्साइटेड किया था कैप्टन मार्वल के MCU में एंट्री के लिए। और फाइनली नंबर 1 पे है द एवेंजर्स का वो पोस्ट क्रेडिट सीन, जिसमें थानोस फर्स्ट टाइम स्क्रीन पे आता है। जब हमें फर्स्ट टाइम पता चला कि थानोस MCU का मेजर विलन होने वाला है, तब से ही फैंस ने इस मोमेंट को MCU के सबसे बड़ा गेम चेंजर माना। इस सीन ने एक ऐसे विलन के आने का सिग्नल दिया जो फ्यूचर मूवीज का सेंटर बनने वाला था। तो ये थी MCU के टॉप पोस्ट क्रेडिट सीन्स जो हमेशा याद रखने लायक हैं। आपका फेवरेट पोस्ट क्रेडिट सीन कौन सा है? क्या हमने आपके फेवरेट सीन को मिस किया? कॉमेंट्स में हमें बताएं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप वॉचिंग।